हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ECA ट्रायल्स के जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 2022 में जो एडमिशन होने वाले हैं, आप सबको पता होगा कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ट्रायल्स भी देना है, तभी आपका एडमिशन होने वाला है। तो इस वीडियो में कम्प्लीट बात करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इस पोस्ट कोटा के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है और कब आएगी शेड्यूल उसकी, और CW कोटा के बारे में भी बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ECA कोटा का एडमिशन है वो जनरली स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर के बाद में। जो भी आपके ट्रायल्स हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब 15 अक्टूबर के बाद में जो ट्रायल्स हैं, कौन से कैटेगरी की कब होगी, उसका स्लॉट क्या होगा, उसके लिए कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल रिलीज करेगी बहुत ही जल्द। 1 से 2 दिनों के अंदर वो शेड्यूल रिलीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप सबको वो चीज़ पता चल जाएगी। ओके, जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है ECA कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको आप सबके सामने डिस्कस कर देता हूं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी डेट है और टाइमिंग है वो शेड्यूल दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 से 2 दिनों के अंदर रिलीज करेगी, और जो आपका ट्रायल्स है वो 15 तारीख के बाद ही होगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको, अगर दिल्ली से बाहर के हो, अगर आपको ट्रायल्स देने जाना है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन वगैरह टिकट वगैरह कराना होगा। ओके, इसमें सारी चीज़ें वही मेंशन है, तो आप यहाँ से जल्दी पढ़ सकते हो पूरे PDF को। ओके, अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करा है, जो म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, तो जो आपको उसमें आपकी इक्विपमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैट हो गया, राइटिंग मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का लेकर के जाना है। वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मीन्स अगर पेन पेंसिल जो भी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जैसे डांस हो गया तो आपको म्यूजिक का सिलेक्शन, सारी चीज़ें आपको पहले से करके वहाँ पे जाना है। उसके बाद में अगर आपने 2 ECA कैटेगरी को चूज़ कर रखा है या फिर 2 से ज़्यादा ECA कैटेगरी को चूज़ कर रखा है, अगर उसका डेट क्लैश करता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक मेल दे रखा है, इस पर्टिकुलर मेल पे आप मेल कर सकते हो। यहाँ पे आप मेल देख सकते हो 8 नंबर पॉइंट में, अगर आपका ECA कैटेगरी का जो भी डेट क्लैश कर रहा है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप मैटर अपना लिख करके अपना कंसर्न यहाँ पे मेल कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई आएगा, तो आपके जो डेट है उसको शिफ्ट करा जाएगा या फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आपको मेल करना होगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और जो भी ECA कैटेगरी का ट्रायल्स होने वाले हैं उसका एक लिस्ट दे रखा है, कौन से कैटेगरी का ट्रायल्स कौन से कॉलेज में होने वाला है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो आप यहां पर डिटेल में देख सकते हैं। जैसे क्रिएटिव राइटिंग के लिए दे रखा है, तो जो भी आपको टॉपिक वहां पर ऑन द स्पॉट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जो आपका उसमें आपको जज किया जाएगा वो आपका लैंग्वेज हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जज की जाएगी। कंटेंट तो आपको जज किया ही जाएगा, बस इसके अलावा, कंटेंट के अलावा लैंग्वेज हो गया, ग्रामर हो गया, स्पेलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको जज की जाएगी। ओके, और आपको 2 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना। इस तरह से आप डांस का भी यहाँ पे देख सकते हो, सॉन्ग है उसको पहले से चूज़ करके जाना है, आपका जो भी वहाँ पे कॉस्ट्यूम हो, सारी चीज़ें आपको रेडी करके के वहाँ पे लेकर के जाना है। इस तरह से आप यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे डिबेट हो गया, डिबेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिजिटल मीडिया का यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट्स का यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक वोकल का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो थिएटर का भी आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या इंस्ट्रक्शन है। क्यूज़ का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिविनिटी का यहाँ पे पढ़ सकते हैं, योगा का आप यहाँ सीधा से पढ़ सकते हैं। ओके, बाद हम बात करते हैं कौन सी कैटेगरी का आपका जो ट्रायल हो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोडल सेंटर्स फॉर UGEC एडमिशन 2022-2023 के लिए, यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, सब कैटेगरी दे रखा है, और कॉलेज का नाम दे रखा है। जैसे क्रिएटिव राइटिंग में आपका 2 कैटेगरी है बेसिकली, क्रिएटिव राइटिंग हिंदी और इंग्लिश है, तो इसका जो ट्रायल्स आपका होगा हंसराज कॉलेज में होगा। जैसे डांस है, डांस में आपका इंडियन क्लासिकल है, इंडियन फोक है, वेस्टर्न है, इसका जो ट्रायल्स आपका होगा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में होगा। इसी तरह डिबेट का देख सकते हो, ये जितने भी कैटेगरी है उसका सब कैटेगरी यहाँ पे नाम दे रखा है, उसका कैटेगरी है, उसके बाद में कॉलेज का नाम दे रखा है कि इस कॉलेज में आपका ट्रायल होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और अगर आपसे शेड्यूल आता है तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप सबको उससे पता चल जाएगा। और स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है कि ट्रायल्स उसके कब से स्टार्ट होंगे। डेफिनेटली अगर उस पर कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप सबको उससे पता चल जाएगा। और CW कोटा की बात करें तो CW कोटा का जो एडमिशन प्रोसेस होता है काफ़ी डिले होता है। आप इतना मान के चलो ECA या स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तब उसके बारे में कोई अपडेट आएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ।